So stick around. सो YouTube फैमिली, आज है अपने PPF के काम का डे टू. सो दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द PPF ब्लॉग. सो इसका जो इंस्टॉलेशन है वो अभी कम्प्लीटली हो चुका है एंड यू कैन सी द बाइक इज़ ओवर हियर. और गाइस, सच बात बोलता हूँ, मैंने थोड़ा टाइम पहले ही, अभी दो मिनट पहले ही गाड़ी का एक्चुअल जो लुक है वो देखा है. सो इट हैज़ कम सुपर्ब. सो गाइज, ये वाला जो व्लॉग है इसको एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज ये वाले व्लॉग में अपना पूरा का पूरा PPF का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, कॉस्टिंग एंड आपको मेरे तरफ से क्या क्या ऑफर्स मिलने वाले हैं वो इसी व्लॉग में होने वाले हैं. सो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और एक ज़रूर अच्छा सा कमेंट और लाइक करके थोड़ा हौसला बढ़ा देना मेरा. ओके, चलिए गाइज व्लॉग को शुरू करते हैं. And you know I think gang on the map. We just tryna get out of this trap. It was beefing all you up in the strap. Like put the black. We just tryna get out of this trap. And I carry this pain on my back. Don't be hitting my tech. You ain't really tryna run up a stack. And you know I think gang on the map. We just tryna get out of this trap. It was beefing all you up in the strap. Like put the black. We just tryna get out of this trap. And I carry this pain on my back. So guys, bike जो है मैं आपको थोड़े ही time में दिखाता हूँ. उसके पहले अंदर जाते हैं और जो मयूरेश भाई है जिनका शॉप है उनसे ज़रा मिलते हैं. मयूरेश भाई, हेलो, कैसे हो भाई? इंतजार कर रहे थे. बाप रे, कितना बैठे बैठे सर. मैं सच बात बोलता हूँ गाइस, धूप इतनी है अक्टूबर की और उसके वजह से आके पहले तो मैंने ना दो बॉटल पानी पिया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेटल हुआ हूँ. सो गाइज, मयूरेश भाई जो है उन्होंने गाड़ी के ऊपर जो मेहनत किया है ना, उन्होंने मुझे बताया है. तो पहले तो उनसे ही सुनते हैं कि एग्जैक्टली उनको काम करने में कितना टाइम लगा, प्रोसेस क्या था और ये जो कॉन्वर्सेशन है इसके बाद पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन ऑफ द PPF जो है उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सो मयूरेश भाई, एग्जैक्टली अपना जो काम है वो कितने टाइम में हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हम लोग को जरा बताओ. PPF का लगभग हम लोग को 6 से 7 घंटा लगा. ओके, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपका बाइक बहुत जबरदस्त है. अरे थैंक यू. काम कर रहे थे लोग आजू बाजू का, आके देख के जा रहे थे भाई, पूछ रहे थे वाह पागल है, सब दीवाने आपके बाइक के. थैंक यू. तो इसको कितना टाइम लगा, कैसे किया काम आपने सब? टोटल लाइक अराउंड 6 आवर्स लगा. पहले तो हमने गाड़ी का जैसा वॉश करके लिया. ओके, बाद में हर पार्ट्स खोला हमने, जैसा मिरर्स हो गया, हाँ हाँ, पीछे का जो पैनल्स था वो खोला. ओके, उसके बाद फिर PPF लगाने में छोटे छोटे पार्ट्स आपके बाइक के बहुत सारे अंदर, हाँ हाँ, पार्ट्स पे तो उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम जाता है. अच्छा, तो वो फिटिंग वगैरह करके अराउंड 6 आवर्स तक हमको लग गया. ओके, और आपका जो ये जो PPF है, हाँ, ये मतलब सेल्फ हीलिंग PPF है ना? सेल्फ हीलिंग है, TPU है. ओके, अब अगर जितना गाड़ी धूप में जाएगा, सनलाइट्स में जाएगा, हाँ, तो कुछ भी अगर सोल मार्क्स आ गए, माइनर्स वगैरह, हाँ हाँ, सारे वो निकल जाते हैं उसमें. क्या बात है, सुपर सुपर. और अभी मेन चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपना ये जो PPF का काम है, ये सब आप जो कर रहे हो तो आपके पास पूरे ट्रेन टेक्नीशियंस वगैरह, हाँ, सब कुछ ट्रेन टेक्नीशियन, इवन बाइक खोलने के लिए भी, ये ऐसा बाइक है कि कोई भी मैकेनिक एग्जैक्टली मैं लगाएंगे तो भी वो बहुत रिस्की रहता है क्योंकि उसका हर एक नट एंड बोल्ट भी बहुत मेन है और ऐसा चीज है कि अपने को कहीं मिलेगा भी नहीं, खो गया चलो एक नट. बराबर. नहीं, मैं वही पूछने वाला था कि आपने ये जो गाड़ी का ओपनिंग फिटिंग जो भी है ये किया, तो वो करने में आपको डेफिनेटली चैलेंजेस आए रहेंगे ना? चैलेंजेस आए, लेकिन कैसे हम लोग को हमेशा का काम है, रेगुलर है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, पर बहुत केयरफुल रहना पड़ा. ऑफ कोर्स बहुत संभाल के रखना पड़ा हर एक पार्ट. आई कैन टोटली एग्री. एंड अभी एक्चुअली हम लोग के जो ऑडियंस है ना, उनको हम लोग अपना जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जो है वो दिखा देते. हां जरूर. सो अपना इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है आप पहले वो देख लो, उसके बाद मैं आपको गाड़ी का PPF का एग्जैक्ट कॉस्टिंग और क्या ऑफर है और इसका एड्रेस लोकेशन जो है वो सारी चीजें बनाऊंगा, आपको बताऊंगा. सो बने रहिए गाइस ब्लॉग में.
think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay. गाइस, सो आपको ये वाला जो प्रोसेस था पीपीएफ का अपने न्यू ZX10R का, वो कैसे लगा आप जरूर मुझे बताओ। और अभी मैं मयूरेश भाई को थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके मयूरेश भाई, सो एग्जैक्टली आपका ये जो काम है पीपीएफ का या फिर सिरामिक कोटिंग का, ये आप किस किस सेगमेंट के कार्स और बाइक्स के लिए करते हो? हर एक सेगमेंट से करते, छोटा बाइक रहने दो, बड़ा रहने दो, सुपर बाइक रहने दो, इवन कार्स, लग्जरी कार्स, प्रीमियम कार्स, सारे गाड़ियों पे करते हो। बेसिकली अगर आप नया गाड़ी या बाइक ले रहे हो, ओके, तो रिकमेंड करते हैं कि तुरंत लेने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर पीपीएफ तो करा दीजिए। ओके, क्योंकि जितना जल्दी आप पीपीएफ कराएंगे उतना आपके लिए बेटर रहता है। आपका पीपीएफ अगर आप लगाएंगे तो आपका जो बाइक का जो वैल्यू है, हाँ, आप आगे जाके रीसेल करोगे तो आपको अच्छा खासा वैल्यू भी देता है। गॉट इट, गॉट इट। सो इसके अलावा मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, जरूर अपने ऑडियंस के बेनिफिट के लिए, कि आपका ये एग्जैक्ट एड्रेस लोकेशन है वो आप हमारे ऑडियंस को बता दो। हमारा एड्रेस मुंबई प्रभादेवी में है। ओके, प्रभादेवी स्टेशन ही है। ओके, प्रभादेवी स्टेशन से हार्डली 2 मिनट वॉकिंग पे ही है। ओके, और लैंडमार्क बोलेंगे तो यहाँ पे इंडिया बुल्स है, इंडिया बुल्स के नजदीक। हाँ, इंडिया बुल्स का टावर भी है बाजू में। ओके, एंड ये जो है आपका इंस्टाग्राम का पेज है। ओके, सो इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं तो जरूर फॉलो करें। डेफिनेटली गाइस, सो यू कैन सी फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ये ऑटो लॉन्डर्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, सो डू चेक इट आउट। उनका सारा का सारा जो काम है यही पे आपको दिखाई देगा। एंड स्पेसिफिकली हमारे ऑडियंस के लिए मयूरेश भाई, आपके पास कुछ ऑफर है कि नहीं? जरूर जरूर, आपके खास ऑडियंस के लिए हम लोग लेके आए हैं। आपके ऑडियंस की तरफ से जो भी पीपीएफ सिरामिक के लिए भी आएगा बाइक या कार, ओके, उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। गॉट इट, गॉट इट। सब्सक्राइबर हो करना पड़ेगा। थैंक यू, डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। देखो अभी आप जो एग्जैक्टली पता चल गया है कि इसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है और काम कैसे होने वाला है, सो फाइनली आप लोगों को ये सारी चीजें यही पे मिलने वाली है ऑटो लॉन्डर्स में। तो जरूर आइए ऑटो लॉन्डर्स में, और अपने भाई की बाइक जो है वो तो आपके सामने बन चुकी है, तो आप लोगों ने उसके जो सिनेमैटिक्स है वो तो स्टार्टिंग में देख लिए थे। सो आपको अगर पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्होंने नई कार या बाइक ली है। ओके, सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कड़क कंटेंट के साथ मैं आते रहूंगा अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। टिल देन गाइस, राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना हेलमेट जो है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।